ये मानव योनि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस योनि में आकर के तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे जीवन दान तो उन्हें भी मिला है जो आज अपने घर में भूखे बंदे हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि मुझे भूख लगी है। प्यासे खूंटा पर बंदे हैं, लेकिन कह नहीं सकते मुझे प्यास लगी है। लेकिन मानव योनि में आकर के हर कुछ तुम कह सकते हो। भूख लगी है तो भी मांग सकते हो, प्यास लगी है तो भी मांग सकते हो, दर्द होता है तो बता सकते हो। लेकिन उनकी तरफ देखो जो बता नहीं सकते, कह नहीं सकते किसी से, दर्द नहीं बता सकते। और ये माया रूपी संसार में आने के बाद जब व्यक्ति ऐसे कर्म करते हैं कि उस कर्म को देख करके भगवान के भक्तों का दिल हिल जाता है, तो बड़ा कष्ट होता। क्यों? मानव योनि वैसे तो किसी को मिलती नहीं है, बहुत अच्छे कर्म जो करता है उसे ही मानव योनि प्राप्त होती है। और जब मानव योनि में आने के बाद में कोई मदरा पान करता है, कोई मांस खाता है, ऐसे कर्म जब करता है तो बड़ा कष्ट होता है। क्यों? मदरा खाने के लिए किसी और को ही बनाया है, तुम्हें नहीं बनाया है, तो मदरा पान मत करो। एक कुत्ता होता है, मांस खाने वाला होता है, उस कुत्ते के सामने भी दरोगा जी अगर एक कटोरी में शराब को रख दिया जाए, एक कटोरी में रबड़ी को रख दिया जाए, तो वो कुत्ता भी जानता है कि ये शराब है और ये रबड़ी है। शराब वाले कटोरे को छुएगा नहीं, लेकिन रबड़ी तो एक मिनट में ही साफ कर देगा। लेकिन हम लोग तो उससे भी, उस कुत्ते से भी बदतर हैं। क्यों? हमारे सामने रबड़ी का कटोरा रखा हो, एक कटोरे में शराब रखी हो, तो इंसान ऐसा होता है और कोई ऐसा नहीं होता कि रबड़ी का कटोरा छोड़ देगा और शराब वाला उठा लेगा। सभी से कहना है नशा ये नाश कर देगा, फिरे हुए दाने दाने को कटोरा हाथ में होगा मिले ना अन्न। सभी से निवेदन है कि हमारे लिए जो खाने की चीज भगवान ने बनाई उसी को खाओ। ये मांस मदरा शराब किसी और के लिए बनाया, हमारे लिए नहीं बनाया। तो सबसे निवेदन है, पहली बात तो जो पीते होंगे खाते होंगे वो यहाँ ही नहीं होंगे, और अगर कोई हो वो दो एक, तो आज से थोड़ी थोड़ी कम कर दियो। प्यारे भक्तों, भगवान ने इतना सुंदर हमें स्वरूप दिया है, ये शरीर हमारा नहीं है, इसमें जीव आत्मा है वो भी हमारी नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। प्यारे भक्तों, बताया है कि जिंदगी एक जो मनुष्य की होती है, जो शरीर होता है, जीव आत्मा होती है, वो हमारी नहीं होती है। इस शरीर में जीव आत्मा जो है एक किराए के मकान में रह रही है, कभी इधर तो कभी उधर।